बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत करने के सिलसिले को हम यहाँ पे एक बार से फिर शुरू करना चाहेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अर्ज करना चाहता हूँ कि आज के दौर में दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पर हर एक आंख में पत्थर क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी जान पहचान तो पुरानी है, लेकिन आज स्टूडियो में बातचीत के सिलसिले को जिनके साथ शुरू करना चाहते हैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। सलमान निजामी साहब हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद हाशमी साहब हमारे साथ राजनीतिक अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत नागर साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह था कि सड़क पर सब्र क्यों टूटा, यह सवाल है सबसे बड़ा। इससे पहले 370, उससे पहले राम जन्मभूमि पे फैसला, लेकिन सवाल यह आया और जिसको सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सब्र क्यों टूटा, इसकी वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है। और यह बात बहुत जरूरी है और जो तमाम सारी बातचीत होती रही उसका सब लब्बोलवाब यही है कि सब्र आखिर क्यों टूटा। मैं एक एक करके बना, बस एक दरखास्त है कि आप बोलें, जमकर बोलें। इस मुल्क में बोलने की आजादी है, सबको बोलने की, आपसे भी मैं मुखातिब होऊंगा। लेकिन सबसे पहले जी ऑफकोर्स मैं हाशमी साहब आप ही से जानना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सड़क पर क्यों दिख रहे हैं मुसलमान, क्यों सब्र टूटा है। देखिए बात होती है मोदी रिजिम की जो बिल पास हुए उनसे शुरू होती है कि हमने ये किया ये किया ये किया ये किया। जैसे आपने भी जिक्र किया तीन तलाक का बिल, तीन तलाक का बिल मुसलमानों से कितने परसेंट मुसलमानों से उसका लेना देना है कितना नहीं वो बहस अलग है, लेकिन तीन तलाक का बिल था हिंदुस्तानी शहरियों के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। हम अब कुछ भी हो लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, आपको ये कानून मानना है, ये कानून नहीं मानना, यू आर इंडियन, हमने बर्दाश्त किया। 370 कश्मीर हमारा हिस्सा है, अभंग हमारा मतलब अटूट हिस्सा है, हम ये कहते चले आए। सरकार को लगता था कि 370 लागू करनी चाहिए, जिस सरकार को लगता था उसने लागू कर दी, जिस सरकार को लगता था कि हटा दी जाए हटा दी जाए। हिंदुस्तान कश्मीर हिंदुस्तान का रहा, हम हिंदुस्तान के रहे, नो प्रॉब्लम, वी वेलकम इट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप देखें क्या होगा आगे। उसके बाद आपने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या का मसला आया, अयोध्या का इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया गया कि जिसके हक में फैसला आएगा वो मानेंगे, जबकि आरएसएस के लोगों ने 30 सितंबर 2018 को रैली निकाली थी रामलगे मैदान में और जिस तरह के नारे लगाए थे और जिस भाषा का प्रयोग किया था वो कभी भी नहीं लगता था कि वो अगर उनके खिलाफ वर्डिक्ट आएगी तो वो मान लेंगे। और आरएसएस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पीछे सामने जाके नारे लगाए थे कि कोर्ट नहीं कोठा है, लेकिन छोड़ दीजिए हम इस बात को भी नहीं कर रहे, मुसलमान मान लिया। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू चाहते थे कि हमारे भगवान श्री राम वहां पैदा हुए, हमारी इसमें आस्था है, हमें दे दी जाए, हमने कहा कोर्ट जो फैसला करेगा मानेंगे। सवाल फिर सीधा कि आखिर सब्र टूटा क्यों, कोर्ट ने फैसला किया हमने माना चूंकि हम हिंदुस्तान में रहे हिंदुस्तानी रहे, ठीक है। अब आप लेकर आते हैं सीएबी, जिसको आपने वो अब जो सीए हो गया, इसमें भी हमने, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप 10 लाख हिंदुओं को नहीं, आप 10 करोड़ हिंदुओं को बाहर से बुला के नागरिकता दे दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो परेशानी हमारे भाइयों को होगी वो हमें भी होगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे अगर आप उनको लाना चाहते हैं लाइए दीजिए मोस्ट, लेकिन इसका चर्चा मत कीजिए, एक बात। दूसरी बात, आपका जो अगला कदम है जो CAA को NRC से जोड़ने का जो कदम है, इस वजह से हमें आशंका है और इस वजह से लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि आपकी नियत खराब है, आपकी नियत में खोट है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इस वजह से लोगों में आपको बाहर भेजा जा रहा है। हमें बाहर नहीं भेजा जा रहा, लेकिन जो NRC से जब CAA मैंने ये कहा अभी एक आपके ही उसमें जी। आपके ही हाशमी जी बिल्कुल मुझे एक शब्द से आपत्ति है, बस उस शब्द को मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर जिसको हो ना हो तो कोई बात नहीं, कोठा शब्द नहीं जी, ये कहा गया ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं यहाँ नहीं कोठा ने बिल्कुल नहीं कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं की, ये कर सकते हैं मुद्दे की बात। तीन बिंदु ने उठाए, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे कहते थे अगर ट्रिपल तलाक कानून बन गया तो इस देश से मुसलमानों के परिवार टूट जाएंगे, कहा जा रहा था, नहीं कोई परिवार टूटा, किसी ने नहीं कहा भाई, नहीं बारंबार आपकी बहसों में कहा गया कि नहीं कहा गया, और अब बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोल रहा था, जो थोड़ा संयम बरते हैं इनसे अपेक्षा है, जितने भी पैनलिस्ट आते थे ट्रिपल तलाक बिल पर
लगातार चर्चा में कहते थे कि मुसलमानों के परिवारों में कलह पैदा करने के लिए ट्रिपल तलाक का बिल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ला रही है। कभी नहीं, कोई कलह नहीं हुआ। कहते थे 370 हट जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, एक ही ब्रिज है वो टूट जाएगा। टूटा कश्मीर? नहीं टूटा। आप कह रहे थे कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, आदरणीय गृहमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बारंबार कहा किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, ये उत्पीड़ितों को नागरिकता प्रदान करने का कानून है। अब ये NRC की आशंका में, अभी उसका ड्राफ्ट नहीं आया है, और ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, ये बसों में आग लगा रहे हैं, ये मीडिया पे हमले कर रहे हैं। क्या कारण है भाई? किसके हाथ में ऐसा कौन सा दस्तावेज आ गया जिससे किसी एक भी नागरिक की, एक भी नागरिक किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का हो, जिसकी नागरिकता जा रही हो, ये लिबास से पहचाने जाते हैं। और हमारा कहना यह है कि इंसान अपनी बोली से पहचाना जाता है। आपकी जो बोली है ना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपकी बोली पे विश्वास नहीं है, और मुसलमानों की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तानियों को विश्वास नहीं है। आप झूठ बोल के सत्ता में आए, आपने कहा कि 15 लाख लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, कहाँ है वो? आप झूठे हैं, झूठे वादे करते चले आए हैं, इस वजह से हमें आशंका है। और आपने असम के अंदर जो NRC का मरवा सांप आपके गले में पड़ा है, आप उसको बचाने के लिए, आप उसको सही दिशा देने के लिए ऐसी है लेकर आए हो, तब से संजय मैं जानता हूं आप लोगों का तारुफ कराना भूल गया था। भाटी माइन से आप लोग हैं और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं। 2006 में मैं आपसे मुखातिब हुआ था, मुझे मालूम है जी। संजय से कुछ बातें रखना चाहता हूं, आशा है शांति से लोग मेरी बात सुनेंगे। देखिए 3-4 बातें। पहली बात, प्रदर्शन हो रहा है लेकिन एक भ्रम पूरे देश के सामने मिटा देना चाहिए, ये लोग कौन है। देखिए बड़ी बेबाकी से मैं अपनी बात रखूंगा, मुझे माफ करिएगा। 90% इस लोगों में मुसलमान समुदाय है, ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई आज देश के सामने आनी चाहिए। 10% वामपंथी हिंदू समाज है। नंबर 2, प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए ये बहुत बड़ा छलावा है कि संविधान की रक्षा, देश की रक्षा, देश के लोग। कड़वी सच्चाई ये है जो 20% मुसलमान का तबका जो प्रदर्शन कर रहा है, जो बसें जला रहा है, जो आगजनी कर रहा है, जो घरों में तोड़फोड़ कर रहा है, वह निश्चित तौर से जानता है, उसने CAA को पढ़ा है। ये भ्रम मत फैलाइए देश की आगे की वो ना समझ है, उसे अच्छी तरह पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या लिखा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं मुसलमान, उनको नागरिकता दीजिए। और तीसरा मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार के नुमाइंदे खड़े हैं शुक्ला जी, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये चर्चा चल रही है कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है। प्रतीक जी, मैं जमीनी हकीकत बताता हूँ, मुसलमान नहीं, इस समय हिंदू डरा हुआ है। आज मुस्लिम बहुल इलाकों में जो हिंदू के परिवार है वो डर के जी रहे हैं। आप ये बताइए इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जब मुसलमानों के बहुल इलाके में आज तक हिंदुओं की दुकानें हैं, आज तक हिंदुओं के घर हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत भ्रम फैला रहे हो। आज तक मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर हिंदुओं की दुकानें हैं, हिंदुओं के घर हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में आज तक हिंदू रह रहे हैं। प्रतीक जी, ये चर्चा होनी चाहिए। आज पूरे देश को डराया जा रहा है। आज आप ये बताइए, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी शांति से, असली 80% मुसलमान समाज शांति से जीना चाहता है, हम उनके साथ हैं। 20% मुस्लिम समाज जो रोड पर उतरा हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइए। अगर आप 80% जो मुसलमान है वो शांति के साथ रहना चाहता है और आप उसके साथ हैं, तो आप बाहर निकल के आए, उन्होंने मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। अगर आप निकल के आए और मुसलमानों को समझाया तो मुझे बताइए, आपने समझाया है? आपके सामने जो मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपका है। आज हिंदू समाज ये सोचने को बाध्य हो चुका है कि 1947 में गांधी जी की बात मान के हमने गलती कर दी। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम 14% है तो आज ये हालात है, कल हम 20% होंगे तो क्या होगा? ना आपके घर बचेंगे, आप दूसरे बचेंगे, बच्चे बचेंगे। इस बात को नहीं मानेंगे, दिखाना चाहते हैं पार्टीशन आपने करवाया, इस बात को नहीं मानेंगे, दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान आपने करवाया। मैं आपके अंदर इतनी हिम्मत और मानो इस बात को, पाकिस्तान आपने बनवाया, मुसलमानों की संख्या कम करने के लिए आज ऐसी बात कर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं संजय जी? आपने कैसी बातें कर रहे हैं?
बहुत अच्छी बात कह दी, जो हम कहते थे वो आपने मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। आरएसएस ने जिन्ना के साथ मिलके, अरे मैं आ रहा हूँ, मैं आंकड़े रख दूंगा, मैं आंकड़े रख दूंगा। 2050 में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं होंगे 2050 में, आपको दो नहीं दो घंटा दे दूंगा। 2050 में सबसे ज्यादा मुसलमान, अभी सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन 2050 में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे पूरी दुनिया के। इसमें खुशी की बात है, इसमें बहुत खुशी की बात है कि मेरा मुल्क का फाइबर है जनाबे आली, और मैंने इसको इसको स्वीकार किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर सड़क पर मुसलमान क्यों है, क्यों है, यही सवाल है सलमान निजामी साहब, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं। मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मेरी बात थोड़ी सुनी जाए। आज इन्होंने आरोप लगाया मुसलमान जो है, ये अखबार है मुर्शिदाबाद में, ये बीजेपी का वर्कर है जिसने ट्रेन पे वो इसको अरेस्ट भी किया। गलत बात नहीं, गलत क्यों है, छापा है पुलिस ने, सबूत के साथ बात रखी है। दूसरी बात सुन लेंगे हम लोग, बात क्यों है। आपके साथ हमने बहुत डिबेट किया, चाहे कश्मीर का मसला आया, चाहे अयोध्या का मसला आया, हमने अपील की अपने मुसलमान भाइयों से कि आप अमन और शांति कायम रखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं इस फैसले का। लेकिन आपत्ति कहां है, गुस्सा क्यों है, मुसलमान क्यों सड़कों पे हैं? क्योंकि डराया किसने, डराया हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सिख जैन हिंदू बाकी धर्म के जो भी आना चाहते हैं वो आए, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लिया। आपने ही प्रचार किया, अगर पीओके में लोग हैं और सिख जो हैं पाकिस्तान में, क्या खालिस्तान मूवमेंट किसने शुरू की? अगर कल को आपके खालिस्तान मूवमेंट जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, सिख जो हैं पाकिस्तान के घुस गए, तो इस देश का क्या हाल होगा? आपत्ति सिर्फ यह है कि आपने मुसलमानों को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया मुसलमानों के साथ? आज मुसलमान डरा हुआ है, अगर सरकार के डरा हुआ क्यों नहीं बोला? आली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अगर डरा हुआ है, अगर वो डरा हुआ है, नहीं नहीं बैठिए मैं आ रहा हूं, मौलाना मैं आ रहा हूं जनाबे आली आ रहा हूं। नहीं डरा हुआ डराया ना अमित शाह ने, जब नाम नहीं लिया और प्राइम जी, अगर जमी भाई आप तो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर वो डरा हुआ है तो फिर वो पाकिस्तान से आना क्यों यहां चाह रहा है, क्यों बुलाना चाह रहे हैं? सवाल ये है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अत्याचार जिस पे हुआ है वो शिया कम्युनिटी पे हुआ है। शिया मुसलमान 25,000 मर गए अभी तक पाकिस्तान में, क्या मोदी जी उनको लाएंगे यहाँ? अहमदिया बांग्लादेश में मुझे मालूम है, बांग्लादेश जनाब, मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या हो गया साहब? मेरा नाम, देखो एक बार शांति का माहौल बनाए रखें, मेरा नाम हाजी इरशाद अहमद है। हाजी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अच्छा ये बताइए, डरे हुए हैं? हम किससे डरेंगे यहाँ? हम नहीं डरे हुए, हम तो पूरी पावर में पत्थर फेंक रहे हैं। ये देखिए ना आप, ये देखिए ना कहाँ डर है, पूरे हिंदुस्तान में उतरे में, ये लोग तो पूरे हिंदुस्तान में उतरे में कांड रहे हैं। ये जो है दल, जितने जो है राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये इन्होंने चढ़ा रखा है, पत्थर फेंकवा रखे हैं। अर्जी का जामिया में पत्थर थे क्या है? कहाँ थे पत्थर? तो कहाँ से आए ये? आबादी कैसे आई? आबादी से आए? जी हाँ। तो बताइए साहब, नागर साहब जो पत्थर फेंक रहा है सड़क पर, वो डरा है? हम पत्थरों के खिलाफ है, पत्थर और लाठी के खिलाफ है, हम वायलेंस नहीं चाहते, और अमन तरीके, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, ऑफ कोर्स पत्थर और लाठी से मुकाबला नहीं होता। आवाज बुलंद करिए अपनी, अगर मुसलमानों में कोई आक्रोश है वो होम मिनिस्टर के लिए चाहता हूँ। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो एक साफ और स्पष्ट बात है, दुनिया में जहाँ भी हिंदू है, प्लीज मैं आया प्लीज थोड़ा सुन लीजिए। अरे जनाबे आली टारगेट मेरे वो नहीं है, टारगेट आप ही लोग हैं, कि मुश्किल ये हो रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है, होता यहाँ है असर यहाँ दिखता है, होता वहाँ है असर यहाँ। जनाब मौलाना मेरी तरफ, मैं मुखातिब हो, मेरी तरफ मुखातिब हो, ये मुल्क आपका उनका मुल्क है सब बराबर। जी दुनिया में जहां भी हिंदू हैं, प्लीज साले बैठो प्लीज, नहीं दोनों लोग वहीं बैठेंगे, नहीं अरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भैया, थोड़ा शांत हो जाइए।
ऐसे मत करिए, क्या हो? चलो नहीं नहीं, दोनों को अलग अलग बिठा दीजिए। अरे प्लीज प्लीज, अलग अलग बिठाइए भाई, क्या कर रहे हो? बात तो यही की थी अभी जी। प्रतीक, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में जहाँ भी हिंदू है, थर बिन लगे नहीं मारा जिया दे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल का ये पहला दिन, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे किसी ने पूछा कि आपके लिए नया साल कैसा है, तो मैंने कहा कि वो नया साल है। देखिए साहब, एक मिनट प्लीज, ये वो शो नहीं है, बका चुपचाप खड़े रहना। लोगों ने कहा कि, मुझसे पूछा कि आपके लिए वो कैसा है नया साल, तो मैंने कहा कि वो नया साल, मैं चार लाइनें पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को, कोहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को, नए साल की मुबारक। इस पकती रोटी को बच्चों के शोर को, चौके की, जहां खाना बनता है उसे चौका कहते हैं, चौके की गुनगुन को, चूल्हे की बोर को, नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 31 जैसा 31 था वैसा ही एक है, लेकिन साल का फर्क यह होता है कि आपके पास क्या संकल्प है, और अगर आपके पास कोई संकल्प है तो हर दिन नया हो सकता है, हर एक नया दिन नया साल हो सकता है। मुझे मालूम है आज आप बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे बातचीत भी करूंगा और मैं आपसे ही बातचीत करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि जरा शोर कम मचाएंगे तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे भी तारुफ आपका कराऊंगा कुछ देर में। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग सड़क पर हैं, कुछ लोग घर से निकल नहीं पाए हैं। बहरहाल जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। मुझे मालूम है मैथिली की भाषा को लेकर आप आए, मैं जरूर बात करूंगा, भाषा वालों से बात करूंगा। कहाँ से आए हैं साहब आप? जी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ सर। क्या नाम है साहब? अशोक। अशोक जी, पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी, आपको भी शुभकामनाएं। तो नए साल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कुछ सोचा? हाँ सोचा है, ढेर सारी चीजों को, जो गलत आदतें है उसको। जैसे कौन सी गलत आदत है आपके अंदर? ढेर सारी, ये समय बर्बाद करना। बड़ा दिल चाहिए बोलने के लिए कि बड़ी गलत आदत को छोड़ना। जी सर, ये समय बर्बाद हो जाता है, सोशल मीडिया में लगा रहता हूँ, ये सोशल मीडिया से दूर रहना है। हाँ दूर रहना है सर। बस। वैसे मैं तो बहुत दूर हूँ सोशल मीडिया से, मैं तो और भी दूर चला जाना चाहता हूँ। नजदीक कर रखा है सर। मैं नहीं कहता किसी से कि पास आओ सोशल, मैंने नजदीक कर रखा। तो भाई जिसका मन लगे सोशल मीडिया में उतना ही समय दो जितना जरूरी हो। आप कहाँ से हैं साहब? दिल्ली से। क्या नाम हो गया साहब? विकास। विकास जी, आपने क्या सोचा नए साल के लिए? सर इंजॉय करना पहले तो। इंजॉय करना, तो जब आप कहते हैं इंजॉय करना, तो इंजॉय करने से क्या मतलब है आपका? इंजॉय सर, नया अगर पहले दिन इंजॉय करेंगे तो सारे साल इंजॉय करेंगे। दिल्ली वालों से कहा जाए, तो पूछा जाए कि इंजॉय करने, तो दिल्ली वाले तो सब मुस्कुरा देते हैं इंजॉय करने से, क्योंकि इंजॉय करने का मतलब वो बहुत सारे। हाँ जी, सीपी में खड़े होके वो भी इंजॉय की। जी जी, सीपी में खड़े होके वो भी इंजॉय की बात। क्या नाम है साहब? रविकांत तिवारी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं गोरखपुर। क्या कुछ कहना चाहते हैं नए साल में? सर सबको हैप्पी न्यू ईयर। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और सर कुछ बदलना चाहते हैं 2019 में, जो बहुत कष्टकारी रहा हो, कोई ऐसा मुद्दा जो बार बार कचोटता रहा हो, जिसे आप लगता है कि 2020 में ना आए बार? सर ये इस साल में नहीं रहा है सर, 5 सालों से हम देख रहे हैं जो मुद्दा, वो उल्टा उल्टा मुद्दा घूमती आ रही है। जो जरूरत है वो मुद्दे हमें दिखती ही नहीं कभी टीवी चैनलों पे। हाँ। सर टीआरपी के लिए उल्टा उल्टा काम चलाते रहते हैं ये। हाँ। और हमारे युवाओं के लिए कुछ नहीं आई नहीं। हाँ। टीवी पे हम जो देखे ऐसी। हाँ। कोई कंटेंट हमें प्रोवाइड ही नहीं की जाती टीवी पे। अच्छा तुम क्या देखना चाहते हो? जैसे जो भी हो हमारे और भी फॉरेन मीडिया है, चाहे इंडिया की मीडिया की जो हाल है। हाँ। यहाँ पे बहुत सर गंदी। सुनो तुम छोड़ो, तुम देखना क्या चाहते हो ये बताओ। देखना सर जो हमारे इन्वेंशन है, साइंस है, हमारे रोजगार है, हमारी आर्थिक
गतिविधियां जो है प्रोग्रेस का डेवलपमेंट है, शिक्षा में सुधार क्या हो रहा है, या फिर कंपनी प्रोजेक्ट क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और हमारे जो यूथ है वो किस दिशा में जा रही है, उसके लिए क्या सबसे ज्यादा नीड है। बहुत अच्छी बात, क्या नाम है आपका सर? विकास कुमार सिंह सर। विकास कुमार सिंह ने कहा कि सब शुरुआत करने को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये जो मीडिया वाले हैं यही टीआरपी के चक्कर में दुनिया भर की चीजें बताते रहे और ये बात झूठ नहीं कह रही है, ये बिल्कुल ये मीडिया वाले भी कम दोषी नहीं है, इनके जो मन में आता है ये वही दिखाते हैं और जनता जनता के दिल में जो है वो उसका दाएं बाएं कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही, विकास जी आपकी बात बिल्कुल सही है जी। मैं आया जी, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम गौरव और मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। औरंगाबाद बिहार से जी। नए वर्ष में एक हिंदू होने के नाते ये कामना करता हूँ कि हमारा हिंदुत्व का अस्तित्व बरकरार रहे, जैसे कि राम मंदिर हो जाए, जितने भी लोग हमारे हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आ रहे हैं इंडिया में उनको शरण दिया जाए, उन्हें यहाँ रहने का जगह दिया जाए और हमारा हिंदुत्व बरकरार रहे। और ये आशा तभी झलकता है जब मोदी हैं तो लगता है, ऐसा ना लगता है कि मोदी चले जाए और हमारा हिंदुत्व खतरे में हो जाए। देखिए दो नवयुवक खड़े थे यहाँ पे, एक ने कहा कि मीडिया जो है पता नहीं क्या क्या दिखाती है और एक ने कहा कि वही दिखाइए, एक मिनट, एक ने कहा कि वो हम हिंदू होने के नाते राम मंदिर जो 2019 में चलता रहा, हिंदुओं के मुद्दे, पाकिस्तान से आए हिंदू जो जब चलते रहे शरणार्थी, ये मुद्दे हम यही चाहते हैं, इन पर बात हो, इन पर सारी चीजें हो। और बगल में विकास जी खड़े थे वो कुछ और बात कर रहे थे। आपका नाम जी? आपने रिकॉर्ड कर लिया जी। सर मेरा नाम जतिन है और मैं चाहता हूँ कि जैसे न्यू ईयर आया है, अब इलेक्शन आ रहे हैं दिल्ली में, तो हम चाहते हैं कि पीएम मोदी बने पर दिल्ली में केजरीवाल ही चलेगा, पर ये नहीं है कि सिनारियों की आप उसका प्रोटेस्ट करेंगे किसी और इलेक्शन से, मतलब भड़काऊ नहीं, ये संविधान की अवहेलना है, संविधान में सभी राष्ट्रीय सभी लोग एक समान है, मान बिल्कुल राष्ट्र में संविधान में सभी एक लोग है, ये आपका एक तारा है। मैं तो खाटू श्याम जी की कथा करता हूँ और भजन गायक हूँ और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में जो 15, 20, 25 सालों से हो रहा है उसमें बदलाव आए, क्योंकि दिल्ली का जो चरित्र असली मूल चरित्र है उसको एकदम हनन कर दिया गया है। निर्भया का बलात्कार नहीं हुआ था, पूरी दिल्ली का बलात्कार किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ ए मेजर स्केल लगाना जरा। अच्छा ए मेजर स्केल लगाना? जी हाँ, मैं बिल्कुल शिक्षित गायक हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमयूज हूँ मैं, इसलिए पहले स्केल बता रहा हूँ। पहले एक ताली बजाइए सबके लिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि ब्रेक का टाइम हो रहा होगा, मैं ब्रेक पे जाऊंगा इनके बाद, लेकिन ये सुन के जरूर जाऊंगा। बदलो बदलो दिल्ली की इस सूरत को, गढ़ो दोबारा इसकी टूटी मूरत को, ये भारत का दिल है इसे बचाओ रे, इसके घावों को फिर से सहलाओ रे, इसे हस्तिनापुर सा फिर चमकाओ रे, इंद्रप्रस्थ सी फिर से शक्ति लाओ रे। क्या बात है साहब, लास्ट लाइन। मौका है अब टालो नहीं मुहूर्त को, बदलो बदलो दिल्ली की इस सूरत को, गढ़ो दोबारा इसकी टूटी मूरत को, मूरत को भारत माता की। हाँ महाराज जी, आपने तो पूरा चमा बांध दिया और आगे भी हैं, तो आगे भी सुनेंगे आपसे, लेकिन अभी नहीं, मुझे मालूम है वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो रहा होगा, मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक बीजेपी और सैयद यासिर जलानी साहब और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्रा जान हमारे साथ नहीं पहुंच पाई अभी भी, अंबर जैदी नहीं पहुंच, मशहूद हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक झा साहब मौजूद हैं, प्रीति पांडे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला मैंने यहां से जोड़ा था कि नए साल में बहुत सारी चीजें बदलनी चाहिए, जो मैंने लास्ट शो किया था उसमें भी यही बात कही थी कि लास्ट कुछ चीजें ऐसी हैं जो 2019 में लगातार परेशान करती रही, लेकिन 2020 में हम तमाम वो सारी चीजें चाहते हैं जो 2019 में परेशान करती नहीं, लेकिन 2020 में कहीं ना कहीं सुखद चीजें दिखाई पड़े। जी मैं आऊंगा आपके पास। नए साल की शुरुआत शांति और समृद्धि के साथ, मैं यही कहूंगा देश के सभी दलों को टोपी टीका की राजनीति छोड़ दें और देश में शांति सद्भाव रोजगार की बात करें,
टोपी और टीका की बात छोड़ दें, सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं प्रीति, आप जो तमाम सारे लोग हैं तो जो बोल रहे हैं वो तो आपने सुना, लेकिन आप क्या कहना चाहती इस मुद्दे पर? देखिए, पहले तो 2020 आ गया, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आपके शो से बहुत सारी चीज़ें जो है वो देश दुनिया तक पहुंचती हैं, और हम आज ये डिसाइड करके आए मेरे हिसाब से सारे पैनलिस्ट के साल के पहले दिन लड़ाई से शुरुआत नहीं करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, वो सब भारतीय हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, पिछले कुछ दिनों में हिंदू मुस्लिम को लेके जो सीए और एनआरसी को लेके जो बवाल पूरे देश में है, मैं हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को एक बात कहना चाहूंगी कि राजनीतिक पार्टियों को बाहर से बहुत फंडिंग आ रही है, वो आपको आपस में लड़ा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, और प्लीज देश से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसके बारे में सोचें। आप देखिए, मैंने कहा और भाई साहब शुरू हो गए, आज हैप्पी न्यू ईयर सर, आज लड़ाई नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, सबसे पहले तो नए साल की सबको बधाई, और प्रीति जी को, यासिर जिलानी जी को, और मेरे भाई इफ्रा को, मसूद साहब को, दीपक साहब को, और सबको, आपको भी, सबको, प्रिया जी सबको बधाई। मैं चाहता हूँ देश में जो 2020 है इसमें विकास की बात हो, इसमें देश के रोजगार की बात हो, देश में जो युवा है उनकी बात हो, देश में छात्रों की बात हो, लेकिन सर मैं कैसे कर सकता हूँ जब आधी रात को कल 2000 जब पूरा दुनिया, पूरा देश, सारा संसार नए साल का जश्न मना रहा था, और शाहीन बाग में मेरी बहनें ठंड में ठिठुरती हुई धंधा दे रही थी, मैं कैसे वो खुशियां मनाऊं, कैसे छोड़ूं इस बात को। देश में आज जो आग लगाई है, देश में जो एनआरसी और सीएबी में जो आग लगाई है, और आग लगाने वाले ये कहते हैं आगे हम खुशियां मनाएं शांति के साथ, मुझे लगता है ये किस दुनिया में रह रहे हैं। बीजेपी से आपके साथ प्रिया है, आप भूल गए थे नाम लेना। नव वर्ष की इस पावन बेला पर मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि पिछले साल में जिन बुद्धिहीन लोगों ने बाकी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने का काम किया है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सीए पर जिस प्रकार से इन लोगों ने लोगों को बहकाया, सड़कों पे उतारा, देश की संपत्ति को जलाया, उसके लिए इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस बिल की एक भी लाइन इसके खिलाफ नहीं थी। और फिर भी जब इन लोगों से पूछा गया कि बता तो दीजिए बिल में वो कौन सी लाइन है जो ये कहती है कि देश का मुसलमान बाहर जाएगा, तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, और ये फिर भी सीना तान। हमने तो सोचा था कि 2020 कुछ बदला होगा, नहीं बदलेगा। इफ्रा, हाँ देखिए, जब भी हम बीजेपी से सवाल करते हैं रोजगार के लिए, किसी भी चीज के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, उनके तीन ही जवाब आते हैं, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, जिहादी। मैं चाहती हूँ कि 2020 में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार जो है वो हमको जवाब देना शुरू करेगी और राष्ट्रवाद का पन्ना नहीं सिखाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात, जहां तक बात होती है एनआरसी और सीएए की, अगर तीन जगह पे बसें जलाई गई, 200 के करीब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, मैं उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को सल्यूट करती हूँ जो संविधान बचाने के लिए आज ठंड में ठिठर रहे हैं। दूसरी और सबसे तीसरी बात, हमारे देश का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है भाजपा के ही मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि हमारा जीडीपी अभी 1% पे बढ़ रहा है, अगर ऐसा रहेगा तो इससे बेटर हमारे पास हिंदुस्तान के दुश्मनों को यही। देखिए, मेरा मैं सबने कह दिया, 2020 का स्वागत भी करा, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं सबको, लेकिन ये तीन मुद्दे में एक चौथा मुद्दा छोड़ दिया इन्होंने, पीएफआई का नाम नहीं लिया है, जिसने भारत के अंदर आग लगाने का काम किया है, आंदोलन को हिंसात्मक ले जाने का अगर किसी ने काम किया है भारत में, तो पीएफआई के लोग, जिनके काम करने का जो तरीका है संगठित और सुनियोजित तरीके से लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं, पूछिए इनसे। और उनके ऊपर एएनआई, सुन लीजिए, उनके ऊपर एनआईए से लेके तमाम लोगों ने जो रिपोर्ट दी है उन्हें बैन करने की बात कही है। ये बातें
तब बात नहीं करेंगे, सिलेक्टिव होके ये बात करने लगेंगे। इनको रोजगार चाहिए, लेकिन भारत में शांति नहीं चाहिए। भारत में उन्माद करने वाले लोगों के साथ ये खड़े रहते हैं। भारत के अंदर इन्हें जीडीपी गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन समाज का जो पूरा ताना बाना बिखर रहा है, जो समाज आपस में लड़ रहा है, जो समाज को लड़ाया जा रहा है, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अभी लोगों ने मीडिया की शिकायत की, तो मैं ले चलता हूं आपको दूरदर्शन के तौर पे, जहां हम सुनते थे एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और जहां हम सुनते थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कहां गए वो दिन? अभी अभी बात हो रही थी मोहब्बत की, और ये यासिर जिलानी जो नफरत के बेकार हैं, इन्होंने बात कर दी नफरत की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये पीएफआई के छुपे हुए वो चेहरे हैं। हाँ हूँ। मुसलमानों की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, होती है उसके ऊपर आप इल्जाम लगा देते हो, आतंकवाद का उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हो। देश में राजनीति करने वाले लोग हैं। देखिए, ये जब ये इन्हें संविधान पे यकीन नहीं, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। ये आईन और संविधान को बर्बाद करना चाहते हो तुम। संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि इतनी ठंड में लोग विरोध कर रहे हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है। पहली बार हमारे इतिहास में जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब ज्यूडिस है, उस पर विपक्ष इतने पुरजोर विरोध कर रहा है सड़कों पे आकर। ट्रिपल तलाक का मैटर जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, तो उसके बाद भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन बंद हो गया था। तो आप खुद ही जो हमारा कानूनी प्रक्रिया है उस पर भरोसा नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का गार्डियन है उस पर भरोसा नहीं कर रहे, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है। जब साबरीमाला हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किसने किया था? इन लोगों ने। दूसरी बात, ये कहते हैं दंगा हो रहा है। भाई योगी जी पे तो 5 दंगे के केस लगे हुए हैं, उसको तो चीफ मिनिस्टर आपने बनाया। जहाँ कोई सुनिए, ये सिर्फ दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव है, लेकिन दिल्ली की जनता यकीन मानिए कि जो अराजक मुख्यमंत्री है उसको इस बार बाहर फेंकेगी, क्योंकि यहाँ शांति अमन मोहब्बत का ये दिल्ली है। दिल्ली ने जो हमेशा पैगाम, योगी जी ये नहीं कहते आपके एक भाई साहब आपके ओवैसी की तरह, योगी जी ये नहीं कहते कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो। अब्दुल्ला खान की तरह ये नहीं कहते कि उतरा सड़कों पर जला दो इस देश को। उनके लिए तो आपने एक बार भी एक शब्द नहीं कहा। कहो ओवैसी के देखिए, बहुत 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 सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। अमन, मुझे मालूम है अमन ऐसे नहीं होगा, नहीं अमन की बात होगी। सुनिए, खड़े रहिए चुपचाप, यूपी वाले चुपचाप खड़े रहे, मैं आ रहा हूं। चलो, दिस इज नॉट द वे। एक मिनट, नो, मैं 18, 19, 20 तारीख को धारा 144 लगी हुई थी लखनऊ में, मैं लखनऊ में ही थी, मैं उपद्रव का हिस्सा नहीं थी, इसलिए मेरे पास नोटिस नहीं पहुंची है। जिसके पास उत्तर प्रदेश में नोटिस पहुंची है वो कहीं ना कहीं आगजनी का हिस्सा था, उपद्रव का हिस्सा था। और अगर आप सरकार की संपत्ति को खराब करेंगे तो नोटिस आपके पास जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं जवाब देता हूँ, ये बात करेंगे जिन पे अदालत ने, जिनको कहा बाबरी मस्जिद तोड़ने के दोषी है, जिन पे अदालत ने यह कहा कि इन लोगों को ये अभियुक्त करार दिए गए हैं, वो लोग दंगे की भाषा सिखाएंगे। और वो सिखाएंगे जो सड़कों पे हड़तालें करते थे, जो पत्थरबाजी करते थे, जिनका चरित्र ऐसा था, वो सिखाएंगे। ये देखिए, ये आप, मुझे बहुत हैरानी होती है। मैं कोई पर्सनल लांछन और कटाक्ष नहीं करता हूँ, ना 3 में ना 13 में है। ये दिल्ली के वो लोग हैं जो दिल्ली में इस वक्त शांति के अंदर, शांति और अमन को, शांति
की शांति और अमन। देखिए आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने माफी मांग ली, मनीष सिसोदिया ने माफी मांग ली, मनीष सिसोदिया ने माफी मांग ली, सिसोदिया ने माफी मांग ली। ये गलत कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। नो 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 प्लीज साइलेंस 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 आपसे पूछूंगा साइलेंस। देखिए बात मैंने बहुत ज्यादा जोश नहीं, 2020 की बात मैंने की थी। अरे रखिए, क्या बार बार वीडियो बनाते हैं आप? नहीं मुझे लाइव नहीं चाहिए, आप रखिए इसको। 2020 की बात की थी, वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी 2020 में देखना चाहते हैं। बहुत सारे नौजवान उधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, मैं आऊंगा लेकिन चुपचाप। जी बोलो सीए। देखो देखो लो लो नहीं, नारे लगाओगे तो नहीं आऊंगा, नारे नहीं लो नहीं लो। जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग पर टिक जाए तो क्या महसूस करता है, वैसे हिंदुस्तान की जनता आज मोदी जी के नीति और रीति से महसूस कर रही है। हमारा देश अमन पसंद के लिए माना जाता है और नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, यही नववर्ष की शुभकामनाएं मेरे लिए। ये मुल्क अमन के लिए जाना जाता है, ये मुल्क नफरत के लिए नहीं। जो नफरत फैला रहे हैं उसे उन्हें बाज आना चाहिए। जी मुझे सिर्फ एक जानकारी चाहिए, 2020 में बुद्धिजीवी की परिभाषा क्या है, जो देशद्रोह के बारे में, जो देश की राजनीति, जो प्रधानमंत्री की बात को गलत ठहराते हैं उन्हें दोषी करार देते हैं और बोलते हैं कि राफेल चोर है, बहुत सारा आरोप लगाते हैं बुद्धिजीवी। कौन सही है बुद्धिजीवी, जो विरोध में है वो सही है या जो पक्ष में है, सरकार के पक्ष में वो सही है? बहरहाल बहरहाल तमाम धरे मैं आ रहा हूँ एक मिनट। हाँ जी, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा एक सवाल है क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली का नहीं हूँ, मैं बेंगलोर से आया हूँ, तो मेरा एक ही सवाल है यहाँ पे कि कुछ दिनों पहले मोदी जी दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली कर रहे थे, इसको एज अ एंटी मत लीजिएगा, बट मेरा एक सवाल बस इतना है कि मोदी जी कह रहे थे कि कहीं पे एनआरसी की बात नहीं हुई, उन्हीं के कैबिनेट के होम मिनिस्टर साहब, हमारे वजीर आजम के जो होम मिनिस्टर हैं, वो कभी कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी आएगा। तो बात है कि मैं भी समझता हूँ कि ठीक है, एक आप अगर किसी मुसलमान भाई के सामने आप ये इतना सारा कटिया डालेंगे, मैं समझता हूँ कि सीए किसी मुसलमान को भगाने, जब वो एनआरसी कहते हैं या वो सीए कहते हैं तो संशय क्यों होता है मुसलमान भाइयों में, ये जानने की वाला सवाल है। मेरा पूछना मुसलमान भाइयों से इतना है कि आपको किस बात की संशय है, आपको कोई यहाँ से क्यों भगाएगा और आप क्यों भागना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है। आपको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, पहली बात तो डॉक्यूमेंट के बारे में कोई स्पष्टीकरण भी हुआ नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जब उनको 1947 में अभी तक जब जाना था तो जब नहीं गए, उन्होंने इस मुल्क को चुना, तो उसके बाद सवाल यह है कि आखिर संशय क्यों हो रहा। संशय मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ, जी मेरा ये क्वेश्चन है, अभी एक मैडम ने स्टार्ट किया था कि हम सब लड़ेंगे नहीं, आज हमने ये डिसाइड किया है, तो पहले क्यों लड़ते थे आप, क्यों नहीं देश के बारे में सोचते हैं, क्यों ये नहीं सोचते कि हम, आप घर जाते हो तो आपके बेटे पूछते होंगे पापा ऐसा क्यों क्वेश्चन करते हो, आपको पता है कि मोदी जी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, फिर भी उल्टा क्वेश्चन बोलते हो आप, तो उनके बच्चे। नाम है आपका? मेरा नाम तेज नारायण। तेज नारायण जी कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाले बिहार से हूँ लेकिन यहाँ। आपके क्या बच्चे हैं? मैं अभी बेबी नहीं हुआ, अभी साथ प्लान कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं। वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी। मुझे मालूम है आज शो थोड़ा लेट शुरू हुआ है लेकिन तमाम सारे वो लोग जो आए हैं वो हमें तो लग रहा है कुछ लोग माउंट एवरेस्ट से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए। थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप भाई? कहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मुझसे पूछ रहे हैं, दिल्ली से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ मैं गोपालगंज बिहार से आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी, तो बहुत दूर से आए उसके मतलब। हाँ जी जी, हाँ मैं भी बिहार से आया हूँ। अरे तुम्हारे बगैर तो दिल्ली अधूरी है मेरे भाई। ये भैया जी, हाँ हाँ आ गया आ गया, बोलो। मैं यूपी डावा से हूँ। हाँ, और मैं यहाँ पे गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ, तो मैं अरविंद सर से ये
मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है कि मैंने गैस टीचर को परमानेंट कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा गैस टीचर को परमानेंट हुए कहां है? आपने हम लोग का धरना चला, 164 दिन चला, पिछले हफ्ते 72 दिन चला, लेकिन झूठ पे झूठ, केवल उनके वादे केवल झूठ। और इस झूठी सरकार को मैं चाहता हूं, मैं ये तमन्ना करना चाहूँ दिल से कि ये जो झूठी नेता जो है, झूठे फालतू और छोटे तुच्छे नेता, ये राजनीति बंद होनी चाहिए और ये इतिहास में कानून में हो जाना चाहिए कि जब तक ये भारत रहे तब तक मोदी जन्म ले और वही प्रधानमंत्री रहे। इतम काम चल गया, इतम काम हो गया जी। क्या नाम है? प्रकाश। हाँ। आपका ये प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है कि इस पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। जल्दी जल्दी। ढले सांझ जो घर भर सब हर साथ में। एक मिनट, साइलेंस 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 प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट चुप हो जाओ ना। हाँ जी। ढले सांझ जो घर भर सब हर साथ में बैठ गईं, मार के पलती टीवी देखे अम्मा बाबू भैया बहन, कहे चालू भैया जी कहिन, चालू भैया जी कहिन, क्या बात है भाई, चालू भैया जी कहिन। प्रतीक भाई जन जन से पूछे उनके मन की बात, भेदभाव ना करे किसी से बात करे निस्वार। प्रतीक भाई जन जन से पूछे उनके मन की बात, भेदभाव ना करे किसी से, भेदभाव ना करे किसी से बात करे निस्वार। और अंतिम लाइन जो बदतमीजी करते हैं इसमें, और टुर्रटार जो करे बीच में झट से झाड़ दें, कहे चालू भैया जी कहिन, चालू भैया। क्या नाम है भाई? प्रकाश चंद भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी कानपुर। अरे बाप रे बाप, गजब भाई, भैया जी कहीं भैया जाओ ना, रुको रुको कानपुर वाले, मुझे मालूम है शायद ब्रेक का, ब्रेक के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक पे जाऊं से पहले कुछ तमाम सारे लोग में जहां। जी जी सर, मेरा कहना है सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरे कहना 2020 में जो नया साल आया है उसमें सारे विपक्षियों को, सारे विपक्षी पार्टियों को मेरा ये निवेदन है कि आपस में तकरार ना करें, बात को डिबेट करनी है तो ढंग से डिबेट करें, लड़ाई ना करें। मैं आशा करता हूं, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये देश हिंदुस्तान ये सबसे अच्छा देश है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे ये तमाम सारी चीज़ें नफरत जो है ये भरे, मैं ये जानना चाहता हूँ। देश प्रेम है? सिर्फ देश प्रेम, और सारे लोग देश प्रेम है? सिर्फ देश प्रेम। अगर देश प्रेम का सिर्फ मखोटा ना लगाएं, सच्चा देश प्रेम करें, देश को देश समझें, देश में उगने वाले इस पौधे को अपना पौधा समझें, देश में बहने वाले पानी को अपना पानी समझें, देश में चलने वाली गाड़ी को अपनी गाड़ी समझें, देश प्रेम की भावना हो जाएगी तो अमन होगा, सुख होगा, चैन होगा, शांति होगी। बेहद शानदार तरीके से जब माइक आता है तो मसूद हाशमी साहब सेलेक्टिव होके बात करना शुरू कर देते हैं। आप सबको कहिए और यकीन मानिए कि भारत का जो तहजीब है, भारत का जो संस्कृति है, जो विरासत भारत को मिली है, वो मोहब्बत के ऊपर उसकी नींव टिकी हुई है, ये पूरा भारत जानता है। लेकिन आपका राइट तब भी बनता है जब कोई आदमी अपने अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपने अपने लोगों की जो प्रॉपर्टी है, सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसको आग लगाते हैं। अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई, लगाने वाले पुलिस वालों को कंडेम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लगाने वाले सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए उस पुलिस ने गलत किया, एक दफा कह दो पुलिस ने निहत्ते लोगों पे लाठियां बाजी, अच्छा एक दफा कह दो पुलिस ने लोगों की गाड़ियां तोड़ी। ये देखिए, ये है झूठ का चेहरा भारत देख रहा है, ये झूठ का चेहरा भारत देख मौजूद है। अच्छा फुटेज दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी। देखिए प्रतीक जी, जहाँ तक वायलेंस का सवाल है, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि साबरीमाला में पेट्रोल बम लगाए गए थे, वो दूर की बात नहीं थी। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हमारे देश में शांति कब होगी, हमारे देश में शांति तब होगी जब हमारे देश के पॉलिटिशियंस जो है शमशान घाट और कब्रिस्तान की राजनीति को बंद करके इकोनॉमी रोजगार की राजनीति चलाएंगे। सही कहा मेरी बहन ने, आपने जो वो एक बात पूछी, वो एक बात ये है, जिस दिन ये राजनेता जो विपक्ष में बैठ के इतने बौखला गए हैं कि वोट बैंक की राजनीति को छोड़ के देश हित के फैसलों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे और मुद्दों पे संसद में और सड़क पे लड़ेंगे, उस दिन देखेगा सूरत बदल जाएगा। थैंक यू भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे मालूम है नया साल मनाने के लिए कनॉट प्लेस में बहुत सारे लोग बहुत तादाद में आ जाए हैं, लेकिन मैं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग सामने स्क्रीन पर ये शो देख रहे हैं भैया जी कहिन,
मुझे पूरी उम्मीद है 2020 भी बहुत अच्छा रहेगा और आप इसी तरह बेनते आप प्यार करते रहेंगे इस शो को। मैं तमाम सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूँ। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, मैं सुनूंगा लेकिन बहुत ध्यान से जी। ऑफकोर्स प्रीति, आपने शो से अभी इससे पहले ब्रेक से पहले पूछा था कि क्या ऐसी चीज है जिससे हिंदू मुस्लिम जो लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं, वो तब खत्म होंगी प्रतीक जी जब मेरठ में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहे और सारे पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध करे। आप देखिए जो वो वीडियो था वो फेक माना गया। आप मुझे बोलिए जब तक इस दुनिया में उस SSP को सजा मिलनी चाहिए जिसने ये कहा कि पाकिस्तान चले जाओ, उस SSP को। हम डिबेट करते हैं उस पुलिस ऑफिसर पे जो उसको कुछ कहता है। हम उन लोगों अगर हम पाकिस्तान जिंदाबाद वाले होते तो यहाँ ना रहते। हम भाई च्वाइस रह रहे हैं, लोग मजबूरी में रह रहे हैं लेकिन मुसलमान भाई च्वाइस रह रहे हैं। हम कभी पाकिस्तान ना जिंदाबाद था ना है ना रहेगा। मेरठ की बात हुई, आपके बात उन सारे लोगों की बात हो रही है जो मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें मुझे मालूम है। आज 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 सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।